तो गाइस सैमसंग का सैमसंग S22 अल्ट्रा 5G ये सैमसंग के सबसे महंगे स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन है। एंड वहीं एप्पल के आईफोन 13 प्रो मैक्स ये अभी तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन है एप्पल का। तो इन दोनों फ़ोन्स को आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एंड साथ में आपको लास्ट में ये भी बताते हैं कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी तगड़ी होगी क्योंकि दोनों ही काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन है, तो आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं पहले आपको दोनों ही फ़ोन के पावरफुल प्रोसेसर्स के बारे में बता दूँ। तो आपको सैमसंग S22 अल्ट्रा के बारे में बताएं तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। एंड वहीं पे आईफोन 13 प्रो मैक्स जो है यहाँ पे आपको एप्पल की A15 बायोनिक चिप देखने को मिल जाएगी जो कि लेटेस्ट चिप है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिप है ये। एंड वहीं पे सैमसंग का जो स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का अभी तक का सबसे पावरफुल एंड फास्ट प्रोसेसर है। तो दोनों के प्रोसेसर को कंपेयर करें तो यहाँ पे मतलब दोनों ही प्रोसेसर अपने अपने जगह पे सही हैं क्योंकि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इस दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको सैमसंग के S22 अल्ट्रा में आपको 6.8 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी एंड आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स में 6.7 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। एंड इस दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले टाइप के बारे में बात करें तो आपको S22 अल्ट्रा में डायनेमिक अमोलेड का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स में आपको ओलेड डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो डायनेमिक अमोलेड जो है वो अमोलेड डिस्प्ले जो होते हैं सैमसंग बनाते हैं तो उनका सबसे बेस्ट लेवल का डिस्प्ले होता है। तो डायनेमिक अमोलेड मतलब आपको थोड़ा सा फ्लूडी टाइप फील होगा आप उसको यूज़ करेंगे। एंड ओलेड के बारे में आपको पता होगा अमोलेड से अच्छे डिस्प्ले होते हैं ओलेड, तो आईफोन का ओलेड आप समझ लो एंड सैमसंग S22 अल्ट्रा का जो है डायनेमिक अमोलेड, मतलब दोनों जो फ़ोन के डिस्प्ले हैं वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल होंगे क्योंकि दोनों जो डिस्प्ले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। एंड दोनों फ़ोन के ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो S22 अल्ट्रा में आपको 1750 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी एंड आईफोन में आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। तो ब्राइटनेस के मामले में यहाँ पे आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स जो है थोड़ा सा पीछे रह गया एंड आपको काफ़ी मस्त सी ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी सैमसंग S22 अल्ट्रा में। एंड गाइस रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें तो आपको दोनों स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज की फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। वाटर रेजिस्टेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको S22 अल्ट्रा में भी वाटर रेजिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स में भी आपको वाटर रेजिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और गाइस दोनों ही फ़ोन के कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको सैमसंग S22 अल्ट्रा में आपको क्वाड कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स में आपको ट्रिपल कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो आपको S22 अल्ट्रा में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 12 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल के तीन कैमरे आपको और देखने को मिल जाएंगे एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स में आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल के तीनों कैमरे देखने को मिलेंगे। तो कैमरा दोनों ही काफ़ी मस्त होगा। आईफोन के कैमरे के बारे में आपको पता है वो काफ़ी अच्छे कैमरे होते हैं एंड सैमसंग भी काफ़ी मस्त क्वालिटी के कैमरे देता है। तो कैमरे में दोनों में मतलब आप 108 एंड 12 लेकर आप कंपेयर मत करने लगा, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, मेगापिक्सल से सब कुछ नहीं होता है। एंड फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो फ्रंट कैमरा आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स में आप जो है वो आपको 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा एंड वहीं पे सैमसंग S22 अल्ट्रा में आपको 40 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा। अगर इस बैटरी के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स में आपको 4352 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। ये मतलब रिवील तो नहीं रहता बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपको अप्रॉक्स इतनी mAh की बैटरी देखने को मिलती है एंड वहीं पे सैमसंग S22 अल्ट्रा में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। एंड चार्जर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको S22 अल्ट्रा में 45W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड 20W का आपको फास्ट चार्जर का सपोर्ट आईफोन 13 प्रो मैक्स में देखने को मिलता है। 20W है बट इनका मानना है कि फास्ट चार्जर है। तो दोनों फ़ोन की जो प्राइस है ना वो 1 लाख प्लस की प्राइसिंग है, मतलब दोनों ही फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन है एंड यहाँ पे मतलब 1 लाख के ऊपर दोनों फ़ोन की प्राइसिंग है। तो यहाँ पे मतलब आईफोन 13 प्रो मैक्स जो है उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, तो क्योंकि आपको S20 अल्ट्रा जो है वो आपको थोड़े से कम प्राइस में देखने को मिलता है। तो आप वो मतलब इसका जो प्राइसिंग है वो फ्लक्चुएट होता रहता है तो उसको आप जाके देख लेना, बट आईफोन 13 प्रो मैक्स जो है उसकी प्राइसिंग S22 अल्ट्रा से ज़्यादा है। तो जितने भी स्पेसिफिकेशन थे मैंने आपको बता दिए हैं,
कंपेयर करके बता दिया है। एंड फाइनली मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आप सैमसंग S20 अल्ट्रा की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल एंड काफ़ी फास्ट फ़ोन है। मैंने इसको खुद यूज़ किया है, आप इसको यूज़ करो, काफ़ी मस्त है। एंड अगर आप आईफोन यूज़ करना चाहते हो तो आईफोन का एकदम बेस्ट स्मार्टफोन है आईफोन 13 प्रो मैक्स। तो दोनों को कंपेयर अगर आप करते हो तो आईफोन 13 प्रो मैक्स ज़्यादा जाए। वैसे वीडियो था S22 अल्ट्रा एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।